Good morning, everyone. Just let me know if I'm live. Good morning. Happy Ashtami, everyone. Welcome to the class. How are you all? Okay, welcome, welcome, guys. Good morning, everyone. Kaise hain sabhi log? All right. Good morning. Good morning. Yes. So चलो guys, आज काफ़ी हमें revision करना है. Start करते हैं. So आज हम कुछ नए vocabulary नहीं कर रहे हैं, but जो हमने 19 से 23 तक किया है, आज हम उसका revision करने वाले हैं. ठीक है, तो सब लोग अपनी डायरी भी लेकर बैठो, साथ साथ मैं रिवाइज करवाती जाऊंगी आपको, और याद करते जाना कि हमने क्या पढ़ा था. और यस, जो जो नोट किया था उसमें देखना, कुछ एडिशंस अगर करने हो, जैसे कुछ नया आइडिया आ गया बात करते करते, तो कुछ एडिशंस करने हो तो वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर अडू. सो चाय पी लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो चलो. सो हमने मैंने उसी ऑर्डर में रखा है जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया था. सो 19 अक्टूबर का हम पहले कर रहे हैं. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड था वो था मडल. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशु. सो हमारा जो पहला वर्ड था वो था मडल. मडल का मतलब होता है कन्फ्यूजन. हमने इसका निमोनिक भी देखा था, जब मड में हम होते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन, मतलब क्योंकि चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो कन्फ्यूजन भर जाती है. सो मडल हमने बोला था कि वो कन्फ्यूजन से रिलेट हम कर सकते हैं. सो कॉन्वर्सेशन वॉज ऑलमोस्ट टू सीरियस फॉर हर मडल थाट्स. उसके थाट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो वो कॉन्वर्सेशन में ठीक तरीके से पार्ट नहीं ले पा रही थी क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन, इतना गंदगी, मतलब गंदगी वैसे नहीं बट मड की वजह से कन्फ्यूजन, मड जैसी कन्फ्यूजन जो है वो भरी हुई थी उसके माइंड में. ठीक है, सो मडल इज कन्फ्यूजन. ऑब्विसेंस का मतलब होता है जब आप रिस्पेक्ट पे करते हो किसी को, एंड दिस एक्शन इज ऑब्विसेंस. एंड इसका निमोनिक हमने किया था ऑब्विसेंस से ओबीडियंट. तो जब आप ओबीडियंट होते हो दैट मीन्स आप रिस्पेक्ट पे करते हो. ठीक है, मतलब आप ओबीडियंट होते हो तो आप उसकी बात मानते हो, तो इन अ वे आप रिस्पेक्ट भी पे ही कर रहे हो. तो ओबीडियंट तो इसका निमोनिक है, बट ऑबीसियंस इज एक्चुअली दिस. ठीक है, तो मील के पहले जब हम प्रे करते हैं कि थैंक यू गॉड कि आपने हमें खाना दिया हमारी प्लेट पे, सो दैट इज ऑबीसियंस. यू आर पेइंग रिस्पेक्ट टू मदर, टू गॉड. ओके, देन थर्ड वन इज ओडियस. ओडियस का मतलब होता है हेटफुल, रिपल्सिव. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा, ओडियस से हम बना सकते हैं हमारा निमोनिक ऑडियो. तो अगर कोई ऐसा ऑडियो बज रहा है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप कह रहे हो दिस इज ओडियस, दिस इज ओडियस ऑडियो. तो ऐसा कह सकते हो, राइट? सो इस तरह से आप याद कर सकते हो. ऑल्दो ओडियस का ऑडियो से कोई रिनाता नहीं है सच, इट जस्ट मीन्स हेटफुल. ठीक है, जो आपको पसंद नहीं हो. तो एथलीट को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया डॉग फाइटिंग के अंदर, जो उसके लिए एक ओडियस स्पोर्ट था, उसके लिए अच्छा स्पोर्ट नहीं था, ही हेटेड दैट स्पोर्ट. ठीक है, सो ओडियस इज समथिंग जिसको आप हेट करते हो. और ये भी देखना गाइस कितने आपको याद आ रहे हैं मीनिंग्स. ओके, जितने हमने किए थे चेक करते रहना कि कितना याद आ रहा है, तो अब रिवीजन से वो स्ट्रेंथन हो जाएगा. ओके, अगर आपको याद नहीं था तो अब याद आ गया, तो रिवीजन के फायदे भी देख लेना. ओडोरीफेरस, ओडोरीफेरस मतलब समथिंग विच गिव्स आउट ओडर. सुनो, यू नो, सो यहाँ पर ओडर से ही इसका हम निमोनिक बना सकते हैं. सो ओडोरीफेरस ओडर. माई होस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ओडोरीफेरस एविडेंस इंसिस्टिंग द पिलोज वर क्लीन. सो होस्ट ने कहा पिलोज तो क्लीन है, इसमें से तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, ओडर नहीं आ रही है, बट जो गेस्ट रहे होंगे उनको आ रही होगी ओडर. सो ओडोरीफेरस मतलब समथिंग विच गिव्स ओडर, बैड ओडर. ठीक है, अच्छा. ओनरस, ओनरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बर्डन सम काम. ठीक है, सो जो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल दे करने में, डिफिकल्टी दे, दैट इज ओनरस.
इसका निमोनिक हमने यही किया था कि भाई ओनरस से हम ओनर बना रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको रेंट भरने वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर आप यू नो रेंट नहीं भर पाते हो तो एकदम से ओनर का कॉल आ जाए तो आपको लगता है ओ माय गॉड अब बात करनी पड़ेगी. तो उससे बात करना भी आपके लिए बर्डन है, वैसे आप इसको याद कर सकते हो. सो ओनर से बात करना भी बर्डन है कि क्या बोलूँ मैं उसे. सो ओनरस इज अ बर्डन सम टास्क, ठीक है. ओनर सिर्फ इसका निमोनिक है. समथिंग विच इज़ ओनरस, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उस चीज़ को करने में, बड़ा ट्रबल लेना पड़ता है उस चीज़ को करने में, ठीक है. तो हमारा जो रूट वर्ड था वो था थी, एंड उसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन. तो इससे रिलेटेड हमने चार आई थिंक वर्ड्स किए थे. तो थीस्ट का मतलब होता है जो बंदा गॉड में बिलीव करता है, ठीक है. तो दीज आर वेरी सिंपल, है ना, क्योंकि आपने एथीस्ट सुना है. एथीस्ट होता है वो बंदा जो गॉड में बिलीव ही नहीं करता, जो उसके हिसाब से गॉड नहीं है, ठीक है. थीस्ट इज अ पर्सन जो बिलीव करता है गॉड में, ओके. एथीस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ओके. सो इसके अंदर मैं आपको मीनिंग्स बस रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि वही इसका सेंटेंस भी है. पैंथीस्ट मतलब जो सब गॉड में बिलीव करता है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, लाइक आई कैन से आई एम अ पैंथीस्ट, राइट. सो सब गॉड में गॉड इज वन, तो उस बंदे के लिए गॉड इज वन होता है जो सब गॉड में बिलीव करता है, ठीक है. जो अगर हिंदू है तो वो चर्च जाने में भी कतराएगा नहीं, और वो मॉस्क जाने में भी कतराएगा नहीं. तो बेसिकली हर जगह वो जा सकता है, ठीक है. इट डजेंट मैटर कि रिलीजन कुछ नहीं होता है. सो पैंथीस्ट के लिए रिलीजन कुछ नहीं होता, गॉड एक ही है, ठीक है. सो सब में मानते हैं. एंड मोनोथीस्ट वो एक ही गॉड में मानते हैं कि मैं हिंदू तो मैं इसमें मानूंगी, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं इसमें मानूंगी. नो, सो मतलब आई मीन येस. सो मोनोथीस्ट का मतलब एक गॉड में मानना, ठीक है. सो बेसिकली इसके चार जो वर्ड्स थे बड़े सिंपल से थे. थीस्ट जो गॉड में बिलीव करते हैं, एथीस्ट जो नहीं करते, पैंथीस्ट जो सब में बिलीव करते हैं, मोनोथीस्ट जो एक में बिलीव करते हैं, ठीक है. देन हमारा फ्रेजल वर्ब आया था येस. देन हमारा फ्रेजल वर्ब आया था पुट, और इससे हमने काफ़ी सारे किए. तो पुट अवे और पुट बैक, इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था. तो पुट अवे का होता है मतलब कि किसी चीज़ को रख देना जहाँ पर उसको आप यूजुअली रखते हो, है ना, वैन जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हो. और पुट बैक का मतलब होता है जहाँ से उठाया था वहाँ पर वापस रख देना. तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, दैट बुक शेल्फ की एक्चुअल जगह, सॉरी बुक की एक्चुअल जगह बुक शेल्फ होती है ना. तो अगर हम कह रहे हैं पुट अवे, इसका मतलब हमारा मतलब है कि जहाँ से भी उठाया था जाकर बुक शेल्फ में रख दो उसे, है ना, क्योंकि जहाँ उसकी एक्चुअल जगह है वहाँ रखनी है. पर अगर जैसे मैंने बुक को टेबल से उठाया था और मैं कह रही हूँ पुट बैक, तो मेरा मतलब है कि टेबल पे ही जाकर रख दो, बुक शेल्फ में नहीं रखना आपको, ठीक है. सो वापस जहाँ से उठाया था वहाँ रख देना इज पुट बैक. सो इन दोनों का डिफरेंस तो हमने बहुत डिटेल में उस दिन किया था. पुट डाउन टू का मतलब होता है इफ़ यू पुट समथिंग डाउन टू अ पर्टिकुलर रीज़न, आप कहते हो कि वो चीज़ हुई इस रीज़न की वजह से, आप कॉज बताते हो उस चीज़ का. सो जैसे आई पुट हिज इरिटेबिलिटी डाउन टू टायर्डनेस. सो पुटिंग समथिंग डाउन का मतलब होता है आपने कॉज बता दिया कि भाई ये चीज़ हुई इस कॉज की वजह से. सो इट इज़ पुट डाउन टू दिस कॉज, ये जो हुआ है ये इस कॉज की वजह से हुआ है. सो पुटिंग डाउन टू सम कॉज, रीज़न देना किसी चीज़ के होने का. पुट इन फॉर का मतलब होता है टू ऑफिशियली आस्क फॉर समथिंग. जैसे 50 फर्म्स ने इस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को मांगा है, तो ऑफिशियली आस्क मतलब मांगना कोई चीज़ को इज पुटिंग इन फॉर. पुट समबडी अप का मतलब होता है कि आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है, कि कुछ गलत काम करते हैं. सो पुटिंग समबडी अप, प्रोवोक करना कि गलत काम करो. पुट डाउन फॉर, लिस्ट में अपना नाम लिखवाना. सो पुट इन फॉर, इफ़ यू आर पुटिंग इन फॉर, आप किसी से ऑफिशियली कोई चीज़ मांग रहे हो, ठीक है. पुट समबडी अप, प्रोवोक कर रहे हो कि चलो ये गलत काम करते हैं. एंड पुट डाउन फॉर, किसी का नाम लिस्ट में लिखना, ठीक है. तो ये मेक श्योर दैट ये याद हो, पुट इन फॉर, पुट समबडी अप एंड पुट डाउन फॉर. देन हमारे idioms और phrase थे बिटवीन सेला एंड कैरेक्टर्स. पहला था, सो बिटवीन सेला एंड कैरेक्टर्स का मतलब होता है जब आप अनप्लेजेंट चॉइसेस के बीच में आपको चुनना पड़ता है कोई दो चीज़ें ऐसी, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई वाली बात मैंने आपको बताई थी. तो दोनों ही चीज़ें ऐसी जो आपके लिए डेंजरस हैं, बट व्हाट टू पिक नाउ.
आप कह सकते हो आई वॉज बिटवीन सेला एंड कैरेप्टिस फॉर इफ आई डिंट टेक आउट अनदर लोन एंड गो डीपर इन टू डेट आई कुड नॉट पे ऑफ द डेट्स आई ऑलरेडी ओड. सो भाई अगर वो और लोन नहीं लेता तो वो पे नहीं कर पाता आपके पुराने डेट्स. ठीक है. यस. सो बिटवीन सेला एंड कैरेप्टिस देन देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स्ट कप एंड लिप. तो इसका मतलब है कि जब तक कोई चीज़ फिनिश नहीं होती उसके बीच में काफ़ी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं. राइट. बहुत मतलब एक फाइनल आपको यू नो रीच जर्नी आपकी ख़त्म होने से पहले पहले काफ़ी बीच में रुकावटें बैड थिंग्स होती रहती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स्ट कप एंड लिप. जैसे मैंने आपको बताया था दैट आपके यू नो आपकी जॉब वाली जर्नी में भी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके एग्जाम क्लियर तक की जर्नी में बीच में काफ़ी चीज़ें होती हैं. बट देन एग्जैक्टली सबके साथ ऐसा ही होता है दैट यू नो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं एंड फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है. सो वही वो बोल रहे हैं दैट एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग स्मूथली बट देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स्ट कप एंड लिप. इसका यही मतलब है, कहावत के लिए यूज़ कर सकते हो कि बीच बीच में बहुत रुकावटें आती हैं. There is many a slip twixt cup and lip. In black and white मतलब in writing, अगर आप कोई चीज़ in black and white मांग रहे हो किसी से, इसका मतलब है कि obviously ink में लिखा है ना, लिखा हुआ लिखा पढ़ी कर लेते हैं, लिखित में मिल जाएगा तो evidence रहता है. Cock and bull story untrue story होती है. जब आप cock and bull story concoct करते हो बनाते हो आप बहाने दे रहे होते हो, झूठ बोल रहे होते हो. राइट. सो untrue story आपने बनाई है झूठी स्टोरी, दैट्स cock and bull story. कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कम्प्लीटली रेडी. ठीक है. समथिंग विच इज नॉट इन वर्क इन प्रोग्रेस, वो कम्प्लीटली रेडी है टू बी यूज और समथिंग. राइट. तो जैसे द चैम्पियनशिप इज नॉट एज कट एंड ड्राइड एज एवरी वन थिंग्स, मतलब चैम्पियनशिप जो है वो इतनी भी रेडी फॉर्म में नहीं है जितना सबको लग रहा है, उसमें और कुछ काम बाकी होगा. दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू से. सो अगर कुछ और काम बाकी है देन इट इज नॉट कट एंड ड्राइड. ठीक है. सो दैट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ योर मंडे, आई मीन मंडे का था ये. अब हम करते हैं सेकेंड डे का निमोनिक, ट्यूजडे का. सो सबसे पहले हमने नैटी किया. नैटी का मतलब होता है बड़ा ही क्लीन एंड टाइडी. तो जैसे कि नाइटी हम इसका निमोनिक बना सकते हैं. ओके. सो नाइटी में देखो ये लड़की कितनी क्लीन एंड टाइडी लग रही है, ऐसे आप याद कर सकते हो. सो नैटी मीन्स क्लीन टाइडी स्मार्टली ड्रेस्ड फैशनेबल. नेब्यूलस मैंने ये आपको हमेशा क्लाउड से रिलेटेड भी बताया है. सो क्लाउड का नाम होता है नेब्यूला. ठीक है. तो वो एक यू नो वेग फॉर्म में होता है, इट्स नॉट क्लियर. उसका जो शेप होता है वो क्लियर नहीं होता. तो नेब्यूलस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. ठीक है. हेजी है, जो चीज़ क्लियर नहीं हो. तो नींबू का रस से हम इसको कर सकते हैं. ऑल्दो नींबू का रस तो क्लियर ही होता है बट देन ट्रांसपेरेंट ही होता है, बट देन आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो. सो नेब्यूलस, इनफैक्ट नेब्यूला क्लाउड से भी अगर आप याद कर लो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा. सो नेब्यूलस मीन समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. ओके. देन नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब होता है आपके लिए कोई नई फाइट. सो बिगिनर है ना, तो अगर आप किसी चीज़ में नए आए हो, यू आर अ न्यू कमर एंड यू आर अ बिगिनर, फर्स्ट टाइम आपने उस चीज़ को ट्राई किया है, देन इट्स यू आर अ न्यू फाइट है ना. इसका निमोनिक है कि आपके लिए वो नई जंग है, न्यू फाइट है. सो कोई भी एक्टिविटी में अगर आप नए हो, यू आर अ न्यू कमर, सो दैट इज न्यू फाइट. नॉइज़म का मतलब होता है फाउल स्मेल. ओके. सो नॉइज़म का निमोनिक तो गाइस देखो नॉइज ही बन पाएगा, बट नॉइज और फाउल स्मेल का एज सच कोई बहुत रिलेशन नहीं है. बट जैसे आप ये कह सकते हो कि यू नो आपको कहीं से फाउल स्मेल आ रही थी, जैसे किसी इंडस्ट्री में, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं. जैसे किसी इंडस्ट्री में आपको नॉइज़म आ रही थी तो आपने लाउडली सबको बुलाया कि कुछ लीक हो रहा है, यू नो फाउल स्मेल आ रही है, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल आ रही है. तो आपने नॉइस करके सबको चौकन्ना कर दिया कि चलो सब लोग भागो, ऐसा ना हो कि कहीं लीकेज वगैरह हो रही हो. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट दैट नॉइज़म विद द फाउल स्मेल, है ना, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो. तो जैसे
गैस ट्रेजेडी में भी जैसा होता है, क्योंकि लीकेज होती है तो स्मेल आता है, तो वहाँ के लोगों को सोचो ऐसा लगा होगा कि उनको नॉइजम आया होगा, दैट इज़ फाउल स्मेल आया होगा, तो उन्होंने एकदम से रेज अलार्म किया होगा, चिल्ला के बोला होगा भागो भागो. सो वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है. सो नॉइजम का मतलब फाउल स्मेल होता है, ठीक. न्यूबाइल का मतलब होता है अ वुमन विच इज़ हु इज़ एलिजिबल फॉर मैरिज. तो मराठी में लेडीज़ को ही बाई कहते हैं गाइज. यहाँ पर यू कैन सी अ डोमेस्टिक हेल्प, बट मराठी में सब लेडीज़ को बाई कहते हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज जितना मुझे पता है मैं वैसा बता रही हूँ आपको. सो एनी वुमन हु इज़ एलिजिबल फॉर मैरिज, सो न्यू बाई आप ऐसे याद कर सकते हो. सो न्यूबाइल आप उसको कह सकते हो, ठीक है. मैरिजेबल एज की वुमन अगर हो गई है तो उसको न्यूबाइल कहते हैं, और वो इंग्लिश में कहते हैं, सिर्फ मराठी में नहीं, ओके. फिर हमारा रूट वर्ड क्रेसी था. क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट सिस्टम, पावर, रूल. सो ऑटोक्रेसी मतलब होता है जिसमें डिक्टेटरशिप होती है ना. ऑटोक्रेसी, हम सेल्फ गवर्न करेंगे, हम डिक्टेटर हैं, ठीक है. तो ये चीज़ जर्मनी में थी, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, सो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है. ऑटोक्रेटिक, खुद गवर्न करने वाली. अच्छा, थियोक्रेटिक होती है, थियोक्रेसी, जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स गवर्न करते हैं. सो ऑटोक्रेटिक में वो डिक्टेटर होता है, थियोक्रेटिक में वो रिलीजियस पीपल गवर्न करते हैं, ठीक है. तो थियोक्रेटिक का एग्जांपल ईरान भी है एंड वैटिकन सिटी भी है, ओके. प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, वेल्दी पीपल गवर्न करते हैं, ओके. जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करते हैं, ओन क्या मतलब गवर्न करते हैं, जो वेल्दी पीपल होते हैं वो गवर्न करते हैं. और एरिस्टोक्रेसी में जो नोबल पीपल होते हैं वो गवर्न करते हैं. तो मतलब आपको लगेगा मैम नोबल पीपल भी तो वेल्दी होते हैं, बट देखो प्लूटोक्रेसी में वेल्दी पीपल ज़रूरी नहीं है कि नोबल हो. नोबल का मतलब रॉयल फैमिली से होना है ना, तो वो तो कोई भी हो सकता है. तो प्लूटो और इसमें एरिस्टोक्रेसी में यही डिफरेंस है कि एरिस्टोक्रेसी में वो नोबल पीपल के लिए होता है, ठीक है. आई थिंक एक अल्कोहल भी आती है एरिस्टोक्रेट नो, ऐसा कुछ ऐड भी आता था पहले नोबल्स की पसंद, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बट होता होगा कुछ तो. सो रॉयल ब्लू ब्लड वाली जो फैमिलीज होती है ना, रॉयल ब्लड, वो अगर गवर्न करती है तो एरिस्टोक्रेसी, जैसे आपका ब्रिटेन में है ना. तो इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, मुझे नहीं मिला था प्लूटोक्रेसी का. आई डोंट थिंक कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी कंट्री में गवर्न करते होंगे, बट दैट इज़ हाउ इज़ द मीनिंग, ठीक है. फिर हमारा जो फ्रेजल वर्ब उस दिन था वो था आर्ग्यू से रिलेटेड. तो चलो देखें, आर्ग्यू डाउन का मतलब होता है कि किसी को आप डिबेट में बीट कर दो एकदम, ठीक है. बीट समवन इन डिबेट डिस्कशन, आर्ग्यू डाउन करके उसको चुप करवा दो, ठीक है. दैट्स आर्ग्यू डाउन. आर्ग्यू आउट का मतलब होता है जब आप किसी के साथ बात मतलब आर्ग्यू कर रहे हो टू फाइंड अ सोल्यूशन. योर एम इज टू फाइंड अ सोल्यूशन, ठीक है. अब आर्ग्यू डाउन में योर एम इज नॉट टू फाइंड अ सोल्यूशन, ठीक है. सो उसमें आपको सामने वाले को चुप कराना है कि मैं जीत गया हूँ, मेरा से होना चाहिए. आर्ग्यू डाउन में आप उसको चुप करा रहे हैं, आर्ग्यू आउट में आप मैटर को सॉल्व करने के इंटेंशन से आर्ग्यू कर रहे हो दूसरे बंदे के साथ, ठीक है. अब देखिए, आर्ग्यू विद यू नो किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हो और किसी पर्सन के साथ भी कर सकते हो, उसके दो मीनिंग बताए थे. सो आर्ग्यू विद सम पर्सन का मतलब होता है टू डिबेट, यू नो बेसिकली यू आर आर्ग्यूइंग विद दैट पर्सन, जस्ट किसी बात पर वो कुछ और कह रहा है, उसका कुछ और टेक है, आपका कुछ और टेक है, आपने वो बोला. बट आर्ग्यू विद समथिंग का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री करना, टू डिसअग्री विद अ स्टेटमेंट, ठीक है. सो जैसे पहला वाला है, डोंट आर्ग्यू विद योर टीचर, है ना. आर्ग्यू टीचर के साथ आर्ग्यू मत करो, वो तो आपको क्लियर ही होगा, बट आई थिंक ये आर्ग्यू विद समथिंग वाला आपको ध्यान से देखना है. ही इज रियली सक्सेसफुल मैन, यू कॉन्ट आर्ग्यू विद दैट. इसका मतलब है कि आप इस बात को नकार नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिसअग्री विद द स्टेटमेंट दैट वो सक्सेसफुल है. सो वेन यू से कि यू डू नॉट, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब है आप उस बात को नकार नहीं सकते हो. सो आर्ग्यू विद का ये दूसरा मीनिंग आई थिंक आपके लिए नया है, जो आपको ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है. अच्छा, आर्ग्यू अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप यू नो कोई बात सामने आई है और उसके अगेंस्ट आप पक्ष रखते हो, दैट्स आर्ग्यूइंग अगेंस्ट,
ठीक है. सो ऑपोजिशन में जब आप कोई बात रखते हो, जैसे अंकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल ख्यालातों के हैं और आपकी जो मदर है वो कंजर्वेटिव बिलीव्स की हैं, तो अंकल जो है हमेशा आर्ग्यू अगेंस्ट करते हैं मदर के बिलीव्स. तो मदर के जो बिलीव्स हैं उसके ऑपोजिशन में बातें वो बोलते रहते हैं, ठीक है. दैट्स आर्ग्यूइंग अगेंस्ट. आर्ग्यू बैक का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना इन अ वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट मैनर. दैट्स आर्ग्यू बैक. सो नेक्स्ट वन इज एडियम, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ये ओ डबल एफ है, ठीक है. दैट मीन्स जब आप अपने मदर फादर को रिजेंबल करते हो, दैट्स वेन यू आर अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है. मतलब रिजेंबल इन द सेंस कैरेक्टर्स में, कैरेक्टरिस्टिक में भी कर सकते हो, आप कैरेक्टर जो आपका नेचर है उसमें भी कर सकते हो, आपके आदतों में भी कर सकते हो. कोई भी रीज़न हो सकता है जब आप अपने मदर फादर को रिजेंबल करते हो, उनकी आदतों को फॉलो करते हो, दैट इज़ व्हेन आपको कहा जाता है कि आप एक चिप है ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही बांसुरी बजाना और अपनी ही तारीफें करना, ठीक है. जब आप अपने आप को बताना चाहते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन वो जनरली ये नेगेटिव वे में ही यूज़ किया जाता है, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है. सो मतलब ऐसा लगता है अरे यार ही इज़ तो ऑलवेज ब्लोइंग इज ओन ट्रम्पेट. तो इसका मतलब यही है कि खुद की तारीफें करता रहता है यार, उससे बातें करने में मज़ा नहीं आता, बिकॉज वो खुद में ही इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो खुद की तारीफ करता रहता है. एंड यार हर कोई नहीं सुनना चाहता हर वक्त कि आप खुद की तारीफ करते रहो, है ना. सो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत रेयरली अगर कोई चीज़ होती है, बहुत रेयर सेल्डम कभी कभी कोई चीज़ होती है, दैट्स वंस इन अ ब्लू मून. व्हेन यू डोंट मेक बोन्स अबाउट समथिंग, सो मेकिंग नो बोन्स अबाउट समथिंग का मतलब होता है यू से व्हाट यू फील. दैट मीन्स आप मिंस नहीं करते हो अपने वर्ड्स को, ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब आपकी बात से. सो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना. व्हेन यू डोंट मेक बोन्स अबाउट समथिंग, ऐसा नहीं है कि बुरा बात है, बट अब जैसे कि आपको जो चीज़ कहनी है वो कहनी है, ठीक है. आप उसमें कतराते नहीं रहते हो कि आप पता नहीं मैं कहूँ कि पता नहीं क्या हो जाएगा. सो यू डोंट मिंस योर वर्ड्स, आप कह डालते हो, है ना. मन में रखने से अच्छा है कह दो, बात क्लियर कर दो, वो बेटर रहता है. सो मेकिंग नो बोन्स अबाउट समथिंग एंड ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड या ब्रेकिंग फ्रेश ग्राउंड, इसका क्या मतलब है, जो चीज़ कभी की ना गई हो, ठीक है, या पाइनियर हो उसमें कभी ना की गई हो, दैट्स ब्रेकिंग फ्रेश और न्यू ग्राउंड. देन कम्स द थर्ड डे. हम लोग को ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं क्या? So now has now we are on the third day. Okay, so third day हमारा start हुआ libertine से. So libertine का मतलब होता है playboy. इसमें मैंने आपको बचना है हसीनों का example दिया था, रणबीर कपूर in that movie, right? So libertine is a यू नो अ प्ले बॉय, है ना, जो पर्सन जो है, जो मैन जो सोचता नहीं है दो बार कुछ करने से पहले, मतलब ऐसा कुछ करने से पहले कि बहुत सारी मल्टीपल गर्ल्स को वो पटा रहे हैं एंड देन उनको डिच कर रहे हैं, ऐसा सोचते नहीं उसको करने से पहले. लिबर्टीन ऐसा पर्सन को कहते हैं. निमोनिक इसका हो सकता है लिबर्टी, ठीक है. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई उसको इतनी लिबर्टी है कि ही कैन प्ले विद द हार्ट्स ऑफ सो मैनी गर्ल्स. सो लिबर्टी, ठीक है. हिज इमेज एज एन अनब्राइडल लिबर्टीन इज टोटल मिथ. अनब्राइडल का मतलब होता है अनचेक्ड, ठीक है. लायनाइज, लायनाइज का मतलब होता है कि किसी को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, कि अरे वाह, जैसे अगर आपके सामने कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो आप जैसे उसको देखने लग जाओगे वैसे लायन को भी आप देखने लग जाओगे ना. बट लायनाइज का मीनिंग लायन नहीं होता है, वो तो उसका निमोनिक है सिर्फ, ठीक है ना. सो लायनाइज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सामने लायन आ गया तो आप उसको देखोगे ना, चाहे छुप के ही देखोगे, सामने सामने आके नहीं देखोगे, ऑटोग्राफ नहीं लेने चले जाओगे, बट देखोगे तो, ठीक है, कि अरे लायन देखें तो कम से कम कैसा दिखता है, तो वो तो करोगे आप. सो यू आर ट्रीटिंग समवन एज अ सेलिब्रिटी, ठीक है, दैट्स लायनाइजिंग समवन. देन ल्यूकर इज काला धन, ठीक है. गलत तरीके से कमाया गया पैसा इज ल्यूकर इन अ डिसऑनरेबल वे. कल के एडिटोरियल में किसी ने यूज भी किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, मैंने पॉइंट भी किया था. सो ल्यूकर, राइट. सो इट फील्स गुड गाइज, जब आप क्लास में वर्ड्स लर्न करते हो और उसको मेरे सामने यूज़ करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जब भी चांस मिला करे, जब भी मौका लगा करे, यूज़ कर डाला करो, चाहे प्लस क्लास हो चाहे फ्री क्लास हो, तो एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो जितना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. आई नो आप कर रहे हो, बट सामने से आ जाता है वर्ड तो अच्छा ही लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा.
अगर आप यूज करोगे तो, ठीक है. सो ल्यूका, लक से हम निमोनिक बना सकते हैं, मतलब गलत तरीके से कमाया गया पैसा, ठीक है. लर्क का मतलब होता है कहीं हिडन रहना, एम्बुश करने के लिए, बेसिकली वेटिंग इन एन एम्बुश, किसी को अटैक करने के लिए, है ना. सो दैट्स लर्क. इसका निमोनिक क्लर्क था गाइस, बट देखो क्लर्क ऐसा कुछ नहीं करता है, क्लर्क बेचारे बच्चे सीधे होते हैं बच्चे, आप लोग क्लर्क पीओ बनने वाले हो, राइट. सो ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि आप कहीं हिडन हो, बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई क्लर्क इतने सीरियस होते हैं कि वो अपने काम में ही हिडन रहते हैं, मतलब आजू बाजू गॉसिप क्या चल रही है बैंक में उनको मतलब नहीं है, ठीक है. और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही इंसान बनना, अगर बैंक में पैसे तो कोई करता नहीं है, बट फिर भी अगर चल रही हो बातें तो उसका पार्ट ना बन के अपना काम करना, अपने प्रमोशंस पर ध्यान देना, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ, नॉट गॉसिप्स, ओके. सो लर्क मीन्स हिडन एंड हिडन इन एम्बुश एंड बेसिकली टू अटैक समवन, ठीक है, दैट्स लर्किंग. लैम्पून का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना. इसका निमोनिक स्पून ही है, बट स्पून क्रिटिसाइज नहीं करता, बट लैम्पून से आप उसको ऐसे ही याद कर सकते हो गाइस. सो लैम्पून क्रिटिसाइज, लैम्पून क्रिटिसाइज, ठीक है. सो फ्रेडी पोस्टेड एन अनकॉम्प्लीमेंट्री लैम्पून ऑफ हिज बॉस. सो फेसबुक पेज पर उसने लैम्पून पोस्ट कर दिया बॉस के लिए, तो उसके बॉस ने कहा जाओ टाटा बाय बाय, तुमको फायर कर देते हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली अब बॉस की बुराई करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो वो तो फायर ही कर देगा ना आपको, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट. सो लैम्पून का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली. फिर हमारा जो वर्ड था वो था सर्कम, ये हमारा रूट वर्ड था, ठीक है. अच्छा, सर्कम नेविगेट का मतलब क्या होता है, टू सेल अराउंड. दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो होता है सेल अराउंड करना, है ना, जैसे एक्सप्लोरर वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन, कि सर्कम नेविगेट करके वो यू नो सेल अराउंड करे, सो एक्सप्लोर करे चीज़ों को. सो सर्कम नेविगेट ऑफकोर्स अराउंड, सेल करे पूरा. और दूसरा अवॉइड डीलिंग विद समथिंग, ठीक है. तो सर्कम नेविगेट अगर आप किसी चीज़ के साथ करते हो, तो मतलब आप गोल गोल घूमते हो बट उस इशू से डील नहीं करते हो, ठीक है. जैसे दे सर्कम नेविगेटेड द इशू, इसका मतलब इस इशू के साथ इन्होंने डील नहीं किया, तो गोल गोल बात करें आप. देखो हमारा रूट वर्ड है अराउंड, है ना, अराउंड अबाउट. सो गोल गोल आप बात तो कर रहे हो बट मुद्दे पर नहीं आ रहे हो, दैट्स वॉट इज सर्कम नेविगेटिंग द इशू, ताकि उस चीज़ पर बात ही ना करनी पड़े, अवॉइड कर रहे हो आप कैसे ना कैसे, ठीक है. तो सर्कम नेविगेट की दो मीनिंग है, एक तो एक्चुअल सेल अराउंड करना, और दूसरा इशू के रिलेटेड अगर हम कहते हैं सर्कम नेविगेट, आप इधर उधर गोलमोल बात कर रहे हो बट मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे हो. अच्छा, सर्कमस्क्राइब के भी दो मीनिंग है, एक तो ये डायग्राम ही आपको दिख रहा है कि भाई अगर आपने किसी फिगर के अराउंड आपने सर्कल बना दिया है, दैट इज़ व्हेन यू आर सर्कमस्क्राइबिंग. एंड दूसरा जो मीनिंग है उसका मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना विद इन लिमिट्स, ठीक है. सो रिस्ट्रिक्ट विद इन लिमिट्स, दैट इज आप किसी को बेड़ियों में बांध देते हो, नॉट एक्चुअली बट येस आपने उसको रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा दिए हैं, ठीक है. अब जैसे व्हेन माय हस्बैंड ड्रिंक्स टू मच आई हाइड हिज कार कीज टू सर्कमस्क्राइब हिज कैपेसिटी टू ड्राइव. सो आप ड्रिंक ज़्यादा कर ली है तो ड्राइव ना कर लें, इसलिए हाइड कर देते हैं कीज, ताकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ये ड्राइव नहीं कर पाए. सो सर्कमस्क्राइब रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है. इसके अंदर था कि अवॉइड करना, सर्कम नेविगेट, सर्कमस्क्राइब रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है. जो दूसरा मीनिंग है वो आई थिंक बहुत ईजी है, आप लोगों को पता ही होगा. सर्कमस्पेक्ट आपको मैंने इंस्पेक्ट से बताया था, सो लुकिंग अराउंड केयरफुली, ताकि आप कोई रिस्क वगैरह नहीं लो, दैट्स सर्कमस्पेक्टिंग, ठीक है. इंस्पेक्ट करना, केयरफुल स्क्रूटनी करना किसी चीज़ की. देन सर्कमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ वे अराउंड या ओवरकम एन ऑब्स्टिकल. सर्कमवेंट किसी चीज़ को ओवरकम करना, कोई ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आया उसको ओवरकम करना इन अ क्लेवर एंड सरप्टिशियस वे, मतलब बेसिकली सीक्रेटिव वे में आप उसको ओवरकम कर रहे हो, इवेट कर रहे हो. अब जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हो और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया रोड पे, तो आप उसको सर्कमवेंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है. दैट मीन्स पेबल आ गया, मतलब पेबल क्या, बड़ा सा अगर पत्थर आ गया तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो, है ना. अब जैसे कहीं ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, तो आप नहीं चाहते कि आपको सिक्योरिटी पकड़े, तो आप अवॉइड कर रहे हो उसको. सो अवॉइडिंग, इवेडिंग, बचना उससे, डॉज करना, दैट सर्कमवेंट, ठीक है.
देन हमारा idiom और phrase स्टार्ट हुआ बकल डाउन. सो बकल डाउन का मतलब होता है हार्डवर्क करना. ठीक है, तो इसके मैंने आपको साथ में दो और बातें बताई थी, मुझे तो याद है, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं. सो बकल डाउन मतलब हार्डवर्क करना, बकअप का भी मतलब होता है हार्डवर्क करना, कि अब चलो बकल डाउन, बकअप फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर SBI क्लर्क. बकल अप मैंने आपको बताया था कि वो जो आप यू नो बेल्ट का बकल हम लगाते हैं उसको बकल अप कहते हैं. ठीक है, सो दैट्स डिफरेंट. सो बकल डाउन एंड बकअप इज सेम. देन फर्स्ट आउट ऑफ द गेट मीन्स पायनियर होना, फर्स्ट वन टू डू समथिंग. ऐसा कभी नहीं हुआ तो आपने सबसे पहली बार अगर ऐसा किया तो यू आर द फर्स्ट आउट ऑफ द गेट. मेकिंग हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस अचीव करना, दैट्स मेकिंग हेडवे. कैरी द टॉर्च फॉर समवन का मतलब होता है कि किसी के लिए आपकी फीलिंग्स तो हैं बट आप सीक्रेटली एडमायर करते हो उनको, आपको पता है कि आप यू नो वो आपके नहीं, आपसे शादी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी योर्स, बट स्टिल यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, दैट्स कैरिंग द टॉर्च फॉर दैट पर्सन. अप द क्रीक का मतलब होता है इन ट्रबल होना. ठीक है, सो अप द क्रीक. फिर हमने जो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किए थे वो थे स्टिक. स्टिक एट का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज. ओके, इफ यू स्टिकिंग एट समथिंग मतलब आप उसको करते रहते हो, परसिवियर करते रहते हो, हार नहीं मानते हो. डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आती हैं बट देन आप हार नहीं मानते हो, आप करते रहते हो उसे. ठीक है, शी फाउंड द कोर्स वेरी टफ बट शी स्टक एट इट एंड डिड वेल इन द एंड. ठीक है, इफ यू स्टिक एट समथिंग मतलब आप उसको करने में लगे हुए हो. ठीक है, हार नहीं मान रहे हो. स्टिक डाउन मतलब होता है राइट समथिंग डाउन जल्दी जल्दी, बट आपने सोचा नहीं ज़्यादा कि आप क्या लिख रहे हो. सो वेन यू आर स्टिकिंग डाउन समथिंग आप बस लिख रहे हो विदाउट सोचे. स्टिक इट टू का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना. ठीक है, अगर आप आधा घंटा लेट आए हो तो क्रिटिसाइज किया उसने आपको, शी स्टक इट टू मी, क्रिटिसाइज किया, बहुत हार्शली आपको ट्रीट किया. ठीक है, दैट इज स्टिक इट टू. स्टिक विथ किसी के साथ रहना, लिटरली भी किसी के साथ रहना मतलब स्टिक विद मी मेरे साथ रहना, और लॉयल्टी को भी कहते हैं कि आप इफ़ यू स्टिक विद मी दैट मीन्स यू आर लॉयल टुवर्ड्स मी. ओके, धोखा नहीं दोगे आप, दैट्स व्हाट इट मीन्स. स्टिक टू का मतलब होता है जो बोला है, प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करना. ठीक है, सो स्टिक टू योर प्रॉमिस, स्टिक टू योर वर्ड्स, ऐसा करके आपने सुना होगा. आपने कहा कि मैं कल से डाइट करूंगी तो स्टिक टू दैट डाइट जो आपने सोची है अपने लिए, है ना, या जो भी आपने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करो. ऐसी कोई बात बोलो ही मत जो फुलफिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे उस टाइम पर तो इंसान खुश हो जाता है कि वाह वाह कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझे ये प्रॉमिस कर दिया, बट बाद में मुकर जाते हैं वो, उससे और ज़्यादा आपकी डैमेज होती है रेपुटेशन. इससे अच्छा है ऐसी कोई बात बोलनी ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. ठीक है, सो दैट इज, सो चाय पी लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा, नेक्स्ट डे आ चुका है, लैम्बास्ट. लैम्बास्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत ज़्यादा हार्शली. सो इसका निमोनिक नमस्ते है, बट नमस्ते इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो आप नमस्ते करके किसी को वेलकम कर रहे हो, किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बट लैम्बास्ट जब आप करते हो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो हार्शली किसी बंदे को. ठीक है, सो लैम्बास्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, बैश कर रहे हो. ठीक है, कोच ने तो लैम्बास्ट ही कर दिया टीम को, अच्छा नहीं खेलेगी तो बिल्कुल लैम्बास्ट करेंगे. अच्छा, लाडर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने सरप्लस सप्लाईज रखते हो, जैसे आप आटा दाल चावल, है ना. सो दिस इज समवन्स डायलॉग, आई हैव ऑल्सो फाउंड आउट. सो लाडर इज एक्चुअली पैंट्री. ओके, तो जहाँ पर आप ये सब सामान रखते हो, शी इज़ वेरी क्यूट दो, तो जहाँ पर आप ये सब सामान रखते हो सरप्लस, तो उसको कहते हैं पैंट्री, उसको कहते हैं लाडर. सो निमोनिक आप ये कह सकते हो, जैसे ये लाडर की फ़ोटो तो दी है, बट जैसे अगर ऊपर चढ़ के है तो लैडर से आप जाते हो. ठीक है, यस, लाडर. देन लैटिट्यूड का मतलब होता है एक लिमिट देना. ठीक है, सो फ्रीडम फ्रॉम नैरो लिमिटेशन बेसिकली, स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन और थॉट. ठीक है, कि भाई कितना स्कोप है आपके पास
कि आप इस चीज़ को यू नो यूज़ कर सको. दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू से कि भाई कितनी आपके पास लिमिट है ना. जैसे लैटिट्यूड कितना होता है मीडिया वालों के पास यू नो किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए. सो दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू से कि भाई कितना स्कोप होता है उनके पास. ठीक है, अब जैसे वो कह रहे ही अलाउड इज चिल्ड्रन फेयर अमाउंट ऑफ लैटिट्यूड, मतलब काफ़ी स्कोप दे रखा है चिल्ड्रन को कि भाई आपको जो मन में आए आप वो करो. अब देखो जर्नलिस्ट हैव कंसिडरेबल लैटिट्यूड इन क्रिटिसाइजिंग पब्लिक फिगर. सो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्रीडम है कि वो पब्लिक फिगर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कैसे ना कैसे उनको डिफेम कर सकते हैं. सो दैट इज़ लैटिट्यूड. ठीक है, मतलब आपने कितना लीवे लिया हुआ है लाइफ में. ओके, लैक्स का मतलब होता है केयरलेस, जब आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, रिलैक्सिंग पोजिशन है ना. सो लैक्स, ये मैंने आपको एडजेक्टिव उसमें भी पूछा था, आपके एडिटोरियल में भी पूछा था. ठीक है, सो लैक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हो चीज़ों के बारे में, बहुत फोकस देके चीज़ों को नहीं करते हो. ठीक है, सो नेवर लेट गो ऑफ दैट प्राइवेसी और बी लैक्स विद योर सिक्योरिटी, मतलब अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल इंटैक्ट रखना. ठीक है, केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना है. सो लैक्स मीन्स केयरलेस, निमोनिक है इसका रिलैक्स. अब जैसे ये बच्चा लेटा हुआ है, इसको क्या लाइफ में दिक्कत है. ओके, सो दैट इज लैक्स. ओके, लाइसेंशियस, लाइसेंशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज अमोरल. सो लाइसेंशियस जनरली यूज किया जाता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो गलत सेक्सुअल बिहेवियर पोर्ट्रे करता है. यू नो यू कैन से दैट रेपिस्ट आर लाइसेंशियस, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि उनके अंदर मॉरल सेंस नहीं है. बचपन से उनको वो चीज़ नहीं सिखाई गई है कि आपको रिस्पेक्ट करना है विमेन को, राइट. उनको विमेन एक ऑब्जेक्ट लगती हैं. सो यू नो व्हेन यू आर ए मॉरल, आपके अंदर मॉरल सेंस नहीं है, प्रिंसिपल्ड नहीं हो आप, तो लाइसेंशियस इज दैट वर्ड. तो इसका निमोनिक भी यही है कि भाई लाइसेंस है, आपको किसने लाइसेंस दिया ऐसा करने का. सो हु गेव यू दैट लाइसेंस. तो एक्चुअली में लाइसेंस नहीं दिया जाता उस केस में, बट बोलते ऐसे ना कि तुमको किसने लाइसेंस दिया इसको टच करने का. ऑब्वियसली टच करने का कोई लाइसेंस नहीं होता है, बट ऐसे कहा जाता है, तो मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ. ठीक है, सो लाइसेंशियस मतलब अमोरल, समथिंग विच इज़ यू नो नॉट राइट. The sexual behavior of the person is not right at all. So that is licentious. फिर हमने phrasal verb किया था fill. Fill in का मतलब fill in और fill in for दोनों का ही मतलब हमने किया था substitute, है ना, कि भाई कोई अगर काम करने नहीं आ पा रहा है तो उसकी जगह पर कोई अगर आ जा रहा है तो substitute कर रहा है वो. So that person is filling in for the person, है ना. अब जैसे इसको बेबी हुआ है तो उसको उसकी जगह पर कोई आ रहा है काम करने के लिए. सो सेकेंड वन भी वही है. सो फिल इन भी कह सकते हैं, फिल इन फॉर भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है. ठीक है, फिल इन ऑन, फिल इन ऑन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन दे दो मुझे. यू नो फिल इन ऑन बेसिकली मुझे वो इंफॉर्मेशन दे दो जो मुझसे रह गई है. ये जनरली यू नो गॉसिप वगैरह के लिए, नॉट जस्ट गॉसिप बट जैसे मीटिंग इसकी मिस हो गई है ना, तो मीटिंग में क्या क्या हुआ मुझे बता देना. अब जैसे कहीं आप नहीं पहुंच पाते हो तो वहाँ क्या क्या हुआ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहोगे कि यार फिल मी इन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो. ठीक है, फिल आउट का मतलब होता है फॉर्म फिल करना, और फिल अप का मतलब होता है ऊपर तक भर देना कोई चीज़ को. सो बॉटल को आप पूरा ऊपर तक भरते हो उसको फिल अप कहते हैं. सो फिल आउट फॉर्म भरना, फिल अप बॉटल कुछ भी भरना ऊपर तक ब्रिम तक. ठीक है, फिर हमने रूट वर्ड किया था फिट. ठीक है, तो फिट इज फॉर ट्रस्ट, फेथफुलनेस. सो फिडेलिटी का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर की तरफ फिडेलिटी शो करते हैं, दैट मीन्स आप फेथफुल हैं. इनफिडेलिटी शो करते हैं आप फेथफुल नहीं हैं. ठीक है, आपने टू टाइमिंग कर रखी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने कर रखा है, दैट्स इनफिडेलिटी. फिडेलिटी इज फेथफुलनेस टू द पर्सन. ठीक है, बोनाफाइड का मतलब होता है जब आप जेन्युइन होते हो. ठीक है, जैसे स्कूल में जो सर्टिफिकेट मिलता था उसमें लिखा होता था कि दिस पर्सन इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट. ठीक है, किसी के में मैलिफाइड नहीं लिखा होता, सभी में बोनाफाइड ही लिखते हैं. स्कूल वाले अच्छे होते हैं, आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते. सो बोनाफाइड इज़ आप जैसे भी बच्चे हो आपको वो बोनाफाइड ही कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन, इट जस्ट मीन्स कि आप जेन्युइन इंसान हो. ठीक है, अच्छे इंसान, जेन्युइन इंसान.
ठीक है, ट्रू हो, ट्रू हो, आपके ऊपर फेथ किया जा सकता है. दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग इट टू द रूट वर्ड. परफिडी का मतलब होता है डिसीटफुल, जिस पे आप ट्रस्ट ना कर सको. ठीक है, सो देखो फिडेलिटी होता है फेथफुलनेस. इनफिडेलिटी जनरली आप रिलेशंस में बताते हो. परफिडी जो है उसमें भी आप डिसीट कर रहे हो, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप में हो. जनरली भी कोई परफिडी कर सकता है, राइट? अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आपसे किसी ने पैसे लिए, आपको ड्यूप कर दिया और सामान नहीं भिजवाया, सो दैट्स परफिडी, राइट? तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आगे से, दैट्स परफिडी. देन डिफिडेंट का मतलब होता है जब आप अपनी खुद की अबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो. देखो बस यही है ना कि कोई लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं दैट दे ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, और कोई लोग डिफिडेंट होते हैं कि अच्छा काम भी कर पाते हैं बट उसको ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं, बेसिकली प्रमोट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, दे आर शाय, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन अबिलिटीज़ कि आई डोंट नो सही है कि नहीं, आई डोंट नो इफ आई पुट इट आउट देयर कोई लेगा भी कि नहीं, है ना? सो दैट्स डिफिडेंट, अपनी अबिलिटीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट ना होना. फिर हमारे idioms और phrases स्टार्ट हुए, जिसमें हमने पहला किया choosing your tail. so choosing your tail का मतलब क्या होता है guys? choosing your tail, sorry, chasing your tail. sorry, मैं messages पढ़ने लग गई थी. so chase your tail का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो जिसमें आपने अपनी बहुत टाइम और एनर्जी लगा दी और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो आप इसको डॉग से ही रिलेट कर सकते हो कि भाई अगर डॉग गुल 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 घूम रहा है और वो अपनी टेल को पकड़ने के लिए घूमता है ना, बट देखो उसको कोई फ़ायदा तो होता नहीं, कभी वो अपनी टेल पकड़ पाता है नहीं. सो व्हेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट उससे कोई आउटकम नहीं निकलता, दैट्स चेजिंग योर टेल. चेजिंग रेनबोज का मतलब होता है कोई ऐसा आपके आपने विजन बना रखा है जो कभी अचीव ना हो सके. ठीक है, सो सम सॉर्ट ऑफ अ गोल जो कभी अचीव नहीं हो सकता. ऑल्दो यू नो इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफ आई से दैट वन मस्ट चेज रेनबोज, ठीक है, वन मस्ट चेज रेनबोज इस हिसाब से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो. एवरीथिंग इज अचीवेबल, है ना? आपको पता भी नहीं चलता ये कैसे हो गया, बट वन मस्ट अटेम्प्ट टू चेज रेनबोज. आई वुड से कि ऐसा कोई गोल रखो जो आपको अभी लाइफ में लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो सकता, बट देन इवेंचुअली इट विल हैपन फॉर यू. इट्स पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है. ओके, देन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है द क्लेवर वेज ऑफ डूइंग समथिंग. आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ को करने के एक्सपर्ट वे क्या है. सो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब आपका जो भी काम है उसमें अगर आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाती है तो आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आ गए हैं. ठीक है, बिग चीज़ का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, बड़ा ही सक्सेसफुल पर्सन. ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है अर्न करना फैमिली के लिए, जिस पर फैमिली भाई यू नो खाना खाएगी जिससे. सो दैट इज़ टू अर्न मनी बेसिकली. ब्रेड विनर जो होता है फैमिली का, दैट पर्सन ब्रिंग्स होम द बेकन. द मदर, द फादर, बोथ, राइट, दे अर्न फॉर द फैमिली. सो दैट इज द आई थिंक द फोर्थ डे. ये हमारा फाइनल स्टार्ट हो रहा है आज, दैट इज फ्राइडे का. ठीक है, ओके. सो डॉन्ट का मतलब होता है इंटिमिडेट करना. ठीक है, समथिंग विच इज डॉन्टिंग, वो आपको डराता है, थ्रेटन करता है वो चीज़. जैसे एक डॉन करता है, अगर डॉन आ जाएगा आपके सामने तो डेफिनेटली आप डर जाओगे, तो वैसे ही कोई भी चीज़ आपके लिए डॉन्टिंग होती है, इसका मतलब यही है कि वो चीज़ आपको डरा रही है, इंटिमिडेट कर रही है. ओके, डीजेनरेट का मतलब होता है इमोरल बन जाना, करप्ट पर्सन बन जाना. ठीक है, बेसिकली नॉर्मल, सॉरी, आपके जो मॉरल क्वालिटीज़ थी, है ना, उससे डिग्रेड हो जाना. सो दैट इज़ डीजेनरेटिंग, है ना? तो इसका हमने जनरेशन से देखा कि भाई हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो वेरी प्योर हार्टेड, क्योंकि बैक देन देयर वाज नो कंपटीशन आल्सो एज सच. सो सब लोग प्योर हार्टेड हो ऐसे आप समझ सकते हो गाइस. सो प्योर हार्टेड हुआ करते थे, बट अभी क्या है कि इतना कंपटीशन है तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आ चुका है कि यार मुझे इससे आगे बढ़ना है. सो लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स त्याग दिए हैं, ऐसा ये समझ सकते हो गाइस. आई एम नॉट सेइंग द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ बैड प्लेस, बट यू कैन जस्ट से कि लोग डीजेनरेट हो गए हैं. दैट मीन्स इमोरल बन गए हैं, करप्ट हो गए, करप्शन ज़्यादा हो गया है. ठीक है, सो दैट्स डीजेनरेटिंग.
अच्छा, डिसकम्फर्ट का मतलब होता है समथिंग विच मेक्स यू फील अनईजी, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। आप जैसे डिस्को थिक में जाके कुछ लोग तो डांस कर लेंगे, कुछ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि यार मैं कैसे करूँ, है ना। सो डिसकम्फर्ट मीन्स फीलिंग अनईजी या एम्बेरस्ड। डॉल्ट इज अ स्टूपिड पर्सन, ओके। सो इसको डॉल से हम कर सकते हैं। अब जैसे डॉल क्यूट होती है बट वो बोलती नहीं है, हम कहते हैं यार वो इतनी भोली सी है, स्टूपिड सी है। सो डॉल्ट इज अ स्टूपिड पर्सन, निमोनिक इसका डॉल ही है, ठीक है। देन ड्राइवल का मतलब होता है रबिश, कंप्लीटली नॉनसेंस, अगर कोई बात कही जा रही है दैट्स ड्राइवल। इसका निमोनिक यही है ड्राइवर, तो मैंने आपको एग्जांपल बस यही दिया था इसका, दैट जैसे कभी कभी आप ऑटो में बैठो एंड देन वो बात करने लग जाते हैं, बट यू नो कुछ भी बात करते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है आपको उस बारे में या कुछ भी है, बट देन दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू द पैसेंजर्स, तो आप वैसे कर सकते हो उसको याद कि वो नॉनसेंस बात करते हैं। ऑल्दो ऐसा है नहीं कि नॉनसेंस बात करते हैं, बट याद कर सकते हो। सो ड्राइवल मीन्स रबिश, नॉनसेंस। फिर हमने रूट वर्ड किया था एमी या एमो, जिसका मीनिंग है फ्रेंडली या लव। सो एमिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर शोइंग फ्रेंडली रिलेशंस, यस इट इज़ अ यूनिवर्सिटी आल्सो, बट व्हेन यू आर शोइंग परफेक्ट एमिटी इसका मतलब है आप फ्रेंडली रिलेशंस किसी की तरफ दिखा रहे हो। इनैमर्ड का मतलब होता है आपको कोई चीज़ से प्यार हो गया है, मतलब उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज़ सुनना। बट इनैमर का मतलब होता है बिल्कुल ही, आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड ऑफ इट, सो इनैमर्ड ऑफ समथिंग मतलब आपको वो चीज़ बिल्कुल स्पेल बाउंड कर दिए। सारे इंग्लिश वर्ड्स ही आ रहे हैं उसके याद मुझको, इफ़ एनी वन इज रिमेंबरिंग द हिंदी वर्ड, मतलब आपको वो चीज़ इतनी पसंद आ गई कि आप उसको देखते ही रह जाते हो, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। उसके लिए कोई हिंदी वर्ड होता है शायद, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। सो इनैमर्ड का मतलब यही होता है दैट यू नो फिल्ड विद लव, सो यू इनैमर्ड ऑफ समवन्स ब्यूटी ऑल्सो, है ना। अब जैसे अगर आपको कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है तो आप कहोगे कि यार आई एम इनैमर्ड ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ हिज ऑब्वियसली नॉट हिज ब्यूटी बट हर ब्यूटी, ओके। सो आई बिकेम टोटली इनैमर्ड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, बिल्कुल ही पसंद ही आ गए मुझे, प्यार हो गया उससे, ठीक है। एमेचर जो प्यार करता है अपने काम से, है ना, पैशनेट अबाउट समथिंग दे डू बट दे डोंट चार्ज फॉर इट, सो दैट्स एन एमेचर, ओके। अनएमिएबल, नॉट वर्दी ऑफ फ्रेंडशिप, भाई एमिएबल रिलेशन होते हैं वो सम्मोहित, ओके, सम्मोहित इज द वर्ड, ठीक है, देन आई टेक इट। सो अनएमिएबल समथिंग ऑफकोर्स जो फ्रेंडशिप के लायक ना हो, एमिएबल फ्रेंडशिप के लायक हो, अनएमिएबल फ्रेंडशिप के लायक ना हो। देन हमारे फ्रेजल वर्ब आए थे ब्लो से, ब्लो अवे। ब्लो अवे होता है टू कॉज टू गो अवे बाय द विंड, सो बेसिकली ऐसे करके आपने किया, ब्लो अवे कर दिया डस्ट को, ठीक है, दैट्स फर्स्ट मीनिंग। सेकेंड मीनिंग जो इसका होता है वो होता है किसी को राइवल को बीट करना, सो न्यू प्रोडक्ट ने ब्लो अवे कर दिया, ठीक है, सो मार्केट में आ गया और ब्लो अवे कर दिया, दैट मीन्स बाकी सारे कंपेटिटर्स को गिरा दिया। तीसरा होता है इम्प्रेस ग्रेटली, तीन मीनिंग थे इसके, किसी को इम्प्रेस करना, सो जैसे नॉवल आपने कोई पढ़ी एंड ब्लू मी अवे, ओके, तो मतलब पढ़ते ही मुझे लगा वाओ क्या लिख डाला है एंड बहुत ज़्यादा ही आप इम्प्रेस हो गए, तो दैट्स व्हेन इट ब्लोज यू अवे। ब्लो डाउन का मतलब होता है टू नॉक ओवर विद एन एयर करंट, सो बेसिकली एयर करंट से जब कोई चीज़ गिर जाती है, ढह जाती है, ठीक है, सो उसको कहते हैं ब्लो डाउन। सो जैसे ट्री भी ब्लो डाउन हो सकता है, सो बेसिकली जब हैवी गस्ट ऑफ विंड से बहुत तेज़ विंड चल रही होती है तो कोई चीज़ अगर गिर जाती है, ढह जाती है, तो उसको हम ब्लो डाउन कह सकते हैं। ब्लो ओवर का मतलब होता है टू फेड अवे विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, सो समथिंग अगर ब्लो ओवर हो रही है इसका मतलब है वो धीरे धीरे यू नो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, सो ब्लोइंग ओवर विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज उस चीज़ को, चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ब्लो ऑफ का मतलब होता है कोई अपॉइंटमेंट आपने मिस कर दिया, मतलब आपने कहा था मिलोगे बट मिले नहीं हो, आपने उनको डिश कर दिया, सो यू आर ब्लो, यू आर ब्लोन ऑफ, राइट। सो लास्ट मिनट पर आपने अपॉइंटमेंट, आप मिलने नहीं गए, दैट्स ब्लोइंग ऑफ, ओके। देन हमारे idiom ऑफ phrases आए थे, द pot कॉलिंग द kettle ब्लैक का मतलब होता है कि आप खुद वो काम करते हो और किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सो हिपोक्रेसी।
अब इसमें मैं हिंदी वाला मीनिंग बना रही थी, बट यू नो हिंदी वाला आई डोंट थिंक सही है जो मुहावरा डिस्कस कर रहे थे, बट आप इसमें इंग्लिश का ही याद कर सकते हो कि आपने बेसिकली किसी को इस बात के लिए अक्यूज़ किया है जो आप खुद करते हो, तो फिर खुद करते हो तो दूसरे को अक्यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. Okay, so pot calling the kettle black. Am I back? Okay, so इसका ये मतलब है कि आप खुद वो काम करते हो बट आप दूसरे को accuse करते हो कि तुम क्यों कर रहे हो ये, ठीक है? That's pot calling the kettle black. Then preach to the choir. Preach to the choir का मतलब होता है ऐसे किसी लोग को कन्विंस करना जो ऑलरेडी जानते हैं ये बात, ठीक है? सो बेसिकली जो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एजुकेटर्स एजुकेटर्स का काम जानते हैं, है ना? तो अगर मैं किसी एजुकेटर को बोलूँगी यार पता है तुमको टाइम ही नहीं होता, तो आई एम नॉट एबल टू कॉल या ऐसा कुछ, तो सामने वाला कहेगा अरे वाई आर यू प्रीचिंग टू द कॉयर, आई नो. सो हमें पता है कि कैसा काम होता है, वी डोंट गेट टाइम. सो यस, एजुकेटर्स दूसरे एजुकेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि सभी को पता है कि क्या हम कर रहे हैं एवरी डे, राइट? सो दैट्स प्रीचिंग टू द कॉयर. अच्छा, स्मार्ट कुकी का मतलब होता है क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है? सो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन आप कह सकते हो इस पर्सन को. सो बेसिकली जो अच्छे डिसीजंस बनाता हो, दैट पर्सन इज अ स्मार्ट कुकी, ठीक है? देन हिटिंग द बुक्स. हिटिंग द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है? पढ़ाई करना उसको कहते हैं हिट द बुक्स, ओके? देन गो कोल्ड टर्की. सो गोइंग कोल्ड टर्की का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग विच इज डेंजरस, जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, आपका स्मोकिंग हो सकता है, किसी भी बैड हैबिट को रोक देना अचानक से, दैट्स गोइंग कोल्ड टर्की, ठीक है? आई थिंक दैट इज इट, यस. सो दैट इज इट फॉर द क्लास गाइज. आई होप कि ये रिविजन क्लास आपको हेल्प करी हो आज. यस, तो अब मैं आपको PDF जस्ट इस क्लास के बाद ही दे दूंगी, ठीक है ना? तो इस बात का तो चीज़ है गाइज कि भाई जितने स्टूडेंट्स ने ये पिछली क्लासेस देखी थी, आज की रिविजन क्लास उन्हीं को हेल्प की होगी गाइज, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि आप इतने सारे एक साथ पढ़ो, पॉइंट ये है कि इतने सारे आप दूसरी बार एक साथ पढ़ो. आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सारी क्लासेस में नहीं आ रहे हो और सोच रहे हो कि सिर्फ रिविजन क्लास कर लें या रिविजन क्लास ना करें सारी क्लासेस कर लें, तो अगर दोनों में से एक ही काफ़ी होता तो मैं भी दोनों में से एक ही करती, है ना? दोनों क्यों करती? तो इस बात को समझना. बाकी आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं वो नहीं लगना चाहिए कि यू नो इफ़ यू नॉट अटेंडिंग तब भी हो जाएगा इम्प्रूवमेंट. और अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ये बात बोलना भी मत कि वो कैब इम्प्रूव नहीं हो रही है, बिकॉज फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो वो कैब इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? यस. सो अब आपको आपके पास PDF भी होगी, आपके पास वीडियोज़ भी हैं, उनको भी रेफर करो जितनी मर्जी चाहे उतने टाइम देखो, एंड आपके पास अपनी डायरी में लिखे हुए नोट्स भी हैं, ठीक है? कोशिश करना कि कल एक बार नज़र मार लेना जो हमने पिछले हफ्ते वो कैबलरी की थी. अब असाइनमेंट ऐसा ही होना चाहिए आपका गाइज, कि अब आपके पास पिछले हफ्ते की भी PDF है और इस हफ्ते की भी PDF है. तो कल संडे जो है, संडे को हम वर्ड्स ऐड नहीं करते क्योंकि वो आपका सेल्फ स्टडी डे है, संडे को जो है वो आप सारे के सारे वर्ड्स उठाओगे दोनों हफ्तों के और एक बार रीडिंग लगाओगे और देखो कितने याद हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सब याद हो जाएंगे, बट येस अगर आपको 80% तक भी अभी तक याद हो गए हैं, यू हैव अचीव्ड समथिंग. सो एक बार टेस्ट करना, पिछले हफ्ते का उठाना और इस हफ्ते का उठाना, कल के दिन, कल दोनों उठाकर रिवाइज करना, ठीक है? दैट्स योर असाइनमेंट, आई एम ट्रस्टिंग यू कि आप वो करोगे, ठीक है ना? चलो वाइंड अप करते हैं फिर और मिलते हैं फिर. वी विल मीट टुडे गाइज एट 5 PM. अन अकेडमी में स्पेशल क्लास मैं लूँगी, सो 5 बजे हम उस पर मिलेंगे, ठीक है? फॉर SBI क्लर्क मीन्स मॉक टेस्ट.
So I will be doing new questions. So all plus students are also invited for that class. क्योंकि आई विल बी डूइंग यू क्वेश्चन, तो आप लोग भी आ जाना एंड हम प्रैक्टिस करेंगे. 5 PM पर करने वाले हैं वो क्लास. इट्स अ फ्री क्लास, तो नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए ही है वो वैसे, बट प्लस स्टूडेंट्स को भी बुला रही हूँ बिकॉज नए क्वेश्चन लगा रही हूँ उसमें. ठीक है, सो फ्री क्लास है. लिंक मैं अभी यूट्यूब के कम्युनिटी में भी डाल दूंगी, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, सब आ जाना. और आज का एडिटोरियल गाइस वो भी स्पेशल क्लास में होगा. नॉलेज गलौर पे नहीं रख रही हूँ, स्पेशल क्लास में ही रख रही हूँ जो कि फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर. तो दोनों के लिंक टेलीग्राम पर आ जाएंगे. 7 बजे होगी एडिटोरियल की क्लास. ठीक है, ओके. सो मैं अभी लिंक्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी. सो @ साक्षी पाहवा से वो चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, चलो. आई एम बाइंडिंग अप देन. ओके, बाय बाय. सब लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पर ताकि कनेक्टेड रहो. बाय बाय.